प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग, जयपुर, जयपुर देख रहे थे। जयपुर के तीन प्रमुख दुर्गों में से दो अपन ने देख लिए थे, आमेर का दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, तीसरा प्रमुख दुर्ग जयपुर का अपन देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। माइक्रो के रूप में देखते हैं, सबसे पहले इस दुर्ग को अपन सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। भोमिया जी है ना, भोमिया जी नारसिंह भोमिया, ठीक है, नारसिंह भोमिया जी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है नाहरगढ़। नाहर जो आ रहा है तो नारसिंह भोमिया जी लोक देवता के नाम के पीछे। ठीक है, जो इसका निर्माता देखते हैं अपन, निर्माता कौन है, जो जयपुर के संस्थापक है अपने सवाई जयसिंह। ठीक है, मराठाओं से रक्षा के कारण इसको बनवाया गया था। ठीक, फिर सवाई जयसिंह के जो पुत्र थे कौन, माधो सिंह प्रथम। ठीक है, माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह दो, माधो सिंह फर्स्ट सेकंड, तो माधो सिंह फर्स्ट इनके लड़के थे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था मेवाड़ की राजकुमारी से जो संतान पैदा हुई वो ये माधो सिंह थे, और मारवाड़ की राजकुमारी से जो पैदा हुई सूरज कुमारी से वो अपने ईश्वर सिंह थे। ठीक है, माधव माधवेंद्र है ना, माधवेंद्र पहले से माधव सिंह फर्स्ट नहीं बनवाया था, माधव सिंह फर्स्ट के कारण नाम है इसका माधवेंद्र पहले से। ठीक है, तो ये मेवाड़ की जो राजकुमारी थी अपने चंद्र कुमारी, ठीक है, उनकी संतान थी और अपने सवाई जयसिंह जी के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने इनकी रानियों के, इनकी नौ रानियों के लिए एक जैसे महल थे इस ना अपने नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर यहाँ पे अपन शासक, जयपुर के शासक देखते हैं सवाई राम सिंह। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो थे उन्होंने, 1857 के विद्रोह के समय जो अंग्रेज रेजिडेंट थे उनकी पत्नी को यहाँ विद्रोहियों से बचाया और रेजिडेंट के परिवार को इस दुर्ग के अंदर शरण दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि किस रियासत के शासक ने रेजिडेंट के परिवार को शरण दी दुर्ग में, तो वो जयपुर रियासत शासक कौन, राम सिंह, और दुर्ग कौन सा, नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, और वैक्स म्यूजियम अपन देखते हैं यहाँ। वैक्स म्यूजियम जो गलती से मैंने अपने जयगढ़ फोर्ट में बता दिया था, गजगामिनी मैंने बताया था, वो वैक्स म्यूजियम जो है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर है। तो देखो वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में तस्वीरें बनी हुई है, आज करीबन 8 या 9 उसमें वैक्स स्टैचूज हैं। तो 1857 के जो अंग्रेज परिवार को शरण दी, ये समझ लो कि उनके वैक्स स्टैचू लगे हुए हैं, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ जिसे याद रहे कि वैक्स म्यूजियम कहाँ है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि जैसे 8-9 वहां पे स्टैचू हैं अपने मोम के, वैक्स मतलब मोम के, तो 9 रानियों के महल ही मानवेंद्र। ठीक है, नारसिंह भोमिया जी का भी एक उसके अंदर क्या है, स्टैचू है मोम का, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, सवाई जयसिंह का है ऐसे। ठीक है, तो नाहरगढ़ याद हो जाएगा ऐसे, नाहर मतलब एक शेर का स्टैचू है उसमें मोम का, तो नाहर नारसिंह भूमि नाम के कारण लोक देवता। ठीक है, अन्य नाम सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुटमणि, जैसे अपन देखते हैं आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े होगे तो सबसे पश्चिम में जो दुर्ग दिखेगा वो अपने नाहरगढ़ दुर्ग है, सबसे सेंटर में दिखेगा जिसके ऊपर दिए बुर्ज जयपुर फ्लैग दिखता है वो अपने जयगढ़, और आमेर का दुर्ग जो है ये जयपुर से दिखाई देता है, दिल्ली रोड पर अपन हवा महल से आगे जब दिल्ली की तरफ निकलते हैं तब ये अपने को आमेर कन्नड़ घाटी उतरते हुए दिखाई देता है। ठीक है, नामकरण लोक देवता नारसिंह भूमिया जी के नाम पे पड़ा, निर्माण वर्ष का 1734 कौन सा वर्ष है, जब जयमान तो एक बार चली। ठीक है, हुडा सम्मेलन ये 1734 हुई है। निर्माता कौन है, सवाई जयसिंह, जयपुर के संस्थापक, और इनके जो वास्तुकार थे रत्नाकर पुंडरीक, उन्होंने इसका नक्शा डिजाइन किया था। बनाने का उद्देश्य क्या था, मराठों के विरुद्ध सुरक्षा के कारण बनाया, तो मराठों के विरुद्ध ही देखो अपन ने क्या देखा कि जयमान तोप का निर्माण किया गया था ऐसे। तो मराठा बहुत बड़ी शक्ति थी, जयपुर रियासत को अगर किसी ताकत ने चैलेंज किया तो वो मराठा है, मुगलों की तरफ से कोई चैलेंज नहीं था, वो बात दूसरी, अपन मोमिनाबाद देखते हैं बहादुर शाह अपने मुअज्जम के समय, लेकिन वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं था जितना बड़ा थ्रेट मराठे थे। ठीक है, मराठे तो अपन आगे देखेंगे, ईश्वर सिंह को सुसाइड करने मजबूर कर दिया था। ठीक है, फिर अपन देखते हैं रानियों के लिए निवास, तो माधवेंद्र पैलेस, सवाई माधव सिंह प्रथम कौन थे, अपने सवाई जयसिंह के पुत्र, मेवाड़ राजकुमारी के पुत्र, द्वारा अपनी नौ रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे जिससे किसी को अपने साथ भेदभाव नहीं दिखे ऐसे। फिर अंग्रेजों को शरण दी यहाँ पे किसने, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह। ठीक है ना, महाराजा राम सिंह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा राम सिंह जयपुर की हिस्ट्री में अपन ने ब्रिटिश रेजिडेंट की पत्नी वानी यूरोपीय लोगों को यहाँ पे शरण दी थी। रामबाग सर्किल देखते हैं अपन, महाराजा राम सिंह ये वही राम सिंह है, ओके ऐसे है ये राम सिंह, जो राम सिंह सेकंड कर देना यहाँ पे ना, राम सिंह सेकंड 1835 से 1880 है ना इनका कार्यकाल था, करीबन 45 साल इन्होंने राज किया, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, और ये वो राम सिंह है अपन देखते हैं अल्बर्ट हॉल जिनके समय निर्माण हुआ 1857 के समय, विद्रोह के समय जो थे शासक, ये वही है रामबाग पैलेस का निर्माण, रामबाग जो अपन देखते हैं चिड़ियाघर वगैरह जो है उसका निर्माण हुआ आकार राहत के तहत है ना, तो जयपुर की हिस्ट्री मैंने बताया, तो ये रामबाग सर्किल जो नाम है राम सिंह सेकंड के नाम पे है।
ठीक है, रामबाग होटल इन्हीं की जागीर मतलब इस क्षेत्र में था। अपन जो जयपुर में जू देखते हैं, जंतुआलय है ना, वो जंतुआलय एल्बर्ट हॉल सब ही राम सिंह के समय का है। एल्बर्ट हॉल अकाल रात के तहत बना हुआ है, अकाल रात के तहत मतलब जो रोजगार योजना चलाई वो उसके तहत अपने जू का निर्माण है। एल्बर्ट हॉल 1878 में इन्हीं के समय का है, ठीक है। और जो अपन जयपुर को पिंक सिटी जो बनाया वही है, राम सिंह सेकंड है। ऐसे एल्बर्ट हॉल की जो नींव रखी गई 1876 के अंदर था, है ना, वो राम सिंह के समय ही 1876 में, ठीक है, और 1887 में जनता के लिए खोल दिया गया था, मतलब बन के तैयार। 1876 में नींव रखी गई थी अपने राम सिंह सेकंड के समय, ठीक है। तो ये अपने नारगढ़ दुर्ग था, जो अपन ने माइक्रो देखे थे उनसे एक बार वापस देख लो, रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या था देखो, सुदर्शन गढ़ भी बोलते हैं, सुदर्शन दुर्ग नारसिंह भूमिया जी के नाम के ऊपर नाहरगढ़ नाम पड़ा है। सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया मराठाओं के विरुद्ध, ठीक है। मानवेंद्र पैलेस माधो सिंह फर्स्ट ने नौ नारियों के लिए जैसे नौ महल बनवाए। शासक राम सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय यहाँ अंग्रेज रेजिडेंट के परिवार को यहाँ शरण दी। और यहाँ अपन वैक्स म्यूजियम देखते हैं, वो लाइन यहाँ लिख लेना जो मैंने इस लास्ट पहले हमने था ना, ये नारगढ़ दुर्ग की जो थी वैक्स म्यूजियम, ये यहाँ है ना, ये वैक्स म्यूजियम जयगढ़ दुर्ग में नहीं है, नारगढ़ दुर्ग में, ठीक है। ऐसे ठीक, तो ये तो अपने अभी तक जो देखे ना, ये थे अपने जयपुर के जो तीन प्रमुख किले हैं, आमेर दुर्ग, जयगढ़ एंड नाहरगढ़। तो सबसे पहले तो देखा अपने आमेर, ठीक है, आमेर का दुर्ग। आमेर के दुर्ग के निर्माता कौन, अपने मिर्जा राजा मानसिंह, मिस्टर मानसिंह नहीं, मिर्जा राजा मानसिंह लिखा हुआ है, MR, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा जयगढ़ का दुर्ग, तो जयगढ़ के दुर्ग का जो निर्माता वो भी MR, MR कौन, अपने मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा अपन ने देखा अभी आज की फाइल में नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन, सवाई है ना, सवाई जयसिंह, ठीक है, ऐसे सवाई जयसिंह, ठीक है, ऐसे ठीक है। तो मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, एक्चुअली क्या है, जैसे राजस्थान जयपुर की हिस्ट्री जैसे अपन देखते हैं, दो मानसिंह है, मिर्जा राजा मानसिंह और सवाई जयसिंह, दो जयसिंह है, एक मिर्जा राजा जयसिंह एक सवाई जयसिंह, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों जयसिंह आ गए, मिर्जा राजा जयसिंह आ गए, सवाई जयसिंह आ गए, लेकिन आए एक ही मिर्जा राजा मानसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह क्यों नहीं आए, क्योंकि सवाई मानसिंह का जो अपन देखते हैं राज जयपुर की हिस्ट्री में, वो मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन जयपुर के मध्यकालीन इतिहास में उनका रोल नहीं है, वो मॉडर्न के अंदर आते हैं, मॉडर्न जयपुर में, मतलब उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जयपुर, सवाई मानसिंह। जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल अपन देखते हैं, स्कूल है, पढ़ने गायत्री जो थी, जो हस्बैंड थे वो, ठीक है, ऐसे है। तो याद रखना अपने को, ठीक है। तो निर्माता लिखे हुए मैंने, ठीक है, नींव वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई इसमें, जैसे जयगढ़ दुर्ग देखते हैं तो उसको नींव तो मिर्जा राजा मानसिंह डाली हुई, लेकिन निर्माता के रूप में देखते हैं तो मिर्जा राजा सिंह। फिर देखते हैं अपन आमेर दुर्ग मिर्जा राजा मानसिंह का बना हुआ, लेकिन जो अपने गणेश पुल देखा था वो सवाई जयसिंह का बनाया हुआ है। तो गणेश पुल पूछे तो सवाई जयसिंह, आमेर दुर्ग पूछे तो मिर्जा राजा मानसिंह, ऐसे ही अपन देखते हैं जयगढ़ दुर्ग मिर्जा राजा सिंह, लेकिन इसमें जो जवान तोप है वो सवाई जयसिंह की है, ऐसे, ठीक है। फिर नाहरगढ़ दुर्ग देखते हैं अपन सवाई जयसिंह, लेकिन जो नौ रानियों के महल बने हैं वो इनके पुत्र माधव सिंह फर्स्ट के रानियों के महल हैं, जिनको अपन माधवेंद्र पैलेस बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना अपन को, ये मैंने सिर्फ निर्माता निर्माता बताए हैं, आप ऐसा मत कर देना हर चीज के ऊपर चिपका दो। अब जयवान तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर है तो आप चिपका दो उसमें भी, जयवान तोप भी मिर्जा राजा सिंह ने बनाई, गड़बड़ हो जाएगी सवाई जयसिंह की, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये तो तीन थे अपने प्रमुख दुर्ग, प्रमुख जयपुर के। अब अपन जयपुर के तीन कंपेटिवली माइनर दुर्ग पढ़ेंगे एक तरह से, मतलब छोटे दुर्ग, ये कस्बों में थे, छोटे छोटे जागीरदारों को मिले हुए थे। तो जैसे उत्तर में, जैसे अपन देखें जयपुर के उत्तर में तो चोमू है ना, पश्चिम में देखें अपन तो ये किशनगढ़ रेनवाल की तरफ है अपने माधोराजपुरा, ठीक है, वहां है अपने दुर्ग। दूसरा वाला जो अपन देखेंगे हिंगोनिया के पास में माधोराजपुरा, नहीं सॉरी थोड़ा सा, मतलब उत्तर में अपन देखते हैं तो जयपुर है, ठीक है, पश्चिम में अपन देखेंगे, पश्चिम में तो किशनगढ़ रेनवाल की तरफ है अपने करणसर का दुर्ग, और माधोराजपुरा फागी में दक्षिण की तरफ, ठीक है, ऐसे ध्यान देना। हमने एक छोटा सा मैप बनाया था, ऐसे जयपुर का मैप बनाया था, इसको एक बार देखना आप, है ना, मैप पे देखना तो और अच्छी तरह याद होगा। जैसे मान लो ये जयपुर अपने, ठीक है, तो आमेर का दुर्ग तो ये हो गया, जयगढ़ ये हो गया, नारगढ़ ये हो गया, चोमू इधर उत्तर में है ना, ये उत्तर है, नॉर्थ है, इधर ये साउथ है, ठीक है, इधर ये पश्चिम है, वेस्ट, इधर ईस्ट है। फिर किशनगढ़ रेनवाल की तरफ अपन यहाँ पे देखते हैं, किशनगढ़ रेनवाल इधर, ठीक है ना, ये अपने क्या है किशन, ये तो चोमू का दुर्ग हो गया,
किशनगढ़ रेलवाल में जो देखते हैं वो करणसर है, और दक्षिण में अपन इधर फागी की तरफ देखते हैं माधोराजपुरा, माधोराजपुरा। तो माधोराजपुरा ये वो ही है माधो सिंह फर्स्ट स्वराज्य सिंह के पुत्र, ठीक है ना, ऐसे है, समझ गए। यूं है तो ईश्वर सिंह ने तो नहीं दिया जयपुर में, फिर ये माधोराजपुरा इधर अपन देखते हैं फागी की तरफ है माधो सिंह फर्स्ट का। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चोमू का दुर्ग, ठीक है। चोमू का नाम चोमू कैसे पड़ा कि चोमू वहां दुर्ग था, चारों दिशाओं में एक जैसे चार गेट थे, तो चोमू दुर्ग। और ये खाई दुर्ग का अच्छा एग्जाम्पल है। जयपुर का वो कौन सा दुर्ग है जो अपनी पारिक दुर्ग की श्रेणी के लिए जाना जाता है, तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, चोमू का दुर्ग, खाई है ना। आजकल तो वो कचरे से भर गई पूरी, इन फिर भी खाई बहुत अच्छी दिखती है आज भी, ठीक है। चोमू का दुर्ग खाई पारिक दुर्ग का एग्जाम्पल है। पारिक दुर्ग समझ ही गए, अवध पर्वत है ना, अवध पर्वत, तो औदक वन ध्यानवन और पर्वत। फिर पारिक कहाँ आएगा, एरन है, एरन आग हटा लग गया, एरन एरन। फिर पारिक पारिदी है ना, सैन्य सहायक। तो पारिक जो था ना वो खाई था, पारिदी तो वो परकोटा हो जिसके, तो खाई दुर्ग है ना, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में है। फिर धार, इसको धारधारगढ़ भी बोलते हैं। बेणी क्या है कि बेणी नाम के ऋषि के आशीर्वाद से नाथ नाथवत, नाथवत जो राजपूत थे, नाथवत राजपूत कर्ण सिंह ने इसकी, इसका निर्माण किया था, इसकी नींव डाली थी कर्ण सिंह ने। और नाथवत चौहान या नाथवत राजपूत चौहानी सॉरी नाथवत राजपूत मोहन ने ही इनका, मोहन द्वारा, मोहन सिंह द्वारा इस दुर्ग के तरफ चारों तरफ अपने को खाई का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना, ऐसे ध्यान देना। तो करण सिंह ठाकुर है ना, ठाकुर करण सिंह नाथावत के द्वारा तो नींव डाली गई और निर्माण कराया गया इस दुर्ग का, चोमू के दुर्ग का। और नाथावत ठाकुर कौन, मोहन सिंह के द्वारा इसके चारों तरफ पारिक खाई का निर्माण करवाया गया। और ठाकुर करण सिंह नाथावत ने नींव किस ऋषि के आशीर्वाद से डाली थी, बेणी ऋषि के आशीर्वाद, बेणी बाण होता ना बाण, तो बाणियों खेसते तो कान तक आता है कर्ण सिंह, तो बेणी कर्ण सिंह, ठीक है। तो अन्य नाम चोमुहागढ़, चार दिशाओं में चार दरवाजे होने के कारण धारदारगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है, ये तो हो गए ठाकुर रघुनाथ के पीछे रघुनाथगढ़। फिर प्रकार कैसे है, भूमि स्थल दुर्ग है ना, और पारिक दुर्ग है, पारिक दुर्ग का एग्जाम्पल है जयपुर में, विस्तृत व चौड़ी गहरी खाई के लिए जाना जाता है, पारिक दुर्ग हो गया। निर्माण वर्ष 1595 के अंदर, निर्माता कौन, चोमू के नाथावत राजपूत कर्ण सिंह ने बेणीदास नामक संत के आशीर्वाद से दुर्ग का निर्माण किया था, नींव किया, नींव डाली, निर्माण किया। तो किसके आशीर्वाद से किया है ना, किसका आशीर्वाद, बेणी नामक ऋषि, बेणी नामक ऋषि। और ठाकुर कौन था उस समय, नाथावत ठाकुर कौन, कर्ण सिंह, ठीक है। फिर अपन देखते हैं खाई का निर्माता कौन है, ठाकुर मोहन सिंह ने 1695 में है ना, करीबन 100 साल बाद, 1595 में 100 साल बाद अपन देखते हैं यहाँ पे पारिक का निर्माण किया गया। तो ये था अपना चोमू का दुर्ग, जो ध्यान रखने वाली बात है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस दुर्ग में जो क्वेश्चन है, पारिक दुर्ग जयपुर का, पारिक का निर्माण किया मोहन सिंह नाथावत ने, और दुर्ग का निर्माण किया था कर्ण सिंह नाथावत ने, किस ऋषि के आशीर्वाद से, बैणी नामक ऋषि के आशीर्वाद से, समझ गए, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जयपुर का एक मान्य दुर्ग, दूसरा करणसर दुर्ग, करणसर, ठीक है। करणसर ये अपने किधर है, ये अपने किशनगढ़ रेलवाल की तरफ है, ठीक है। करणसर हिंगोनिया के निकट है, मैदान पे बना हुआ दुर्ग समतल और राणावतों द्वारा बनाया गया। जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्राचीर इतनी चौड़ी है कि उस पर चार घुड़सवार एक साथ चल सकते थे, ये चौड़ी दीवार, ठीक है। तो एक घुड़सवार को चलने में करीबन करीबन 2.5 से 3 फीट की जगह चाहिए होती है, तो चार का मतलब 12 फीट चौड़ी दीवार, 10 से 12 फीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जयपुर माधोराजपुर, माधोराजपुरा का किला, माधो, ये माधो सिंह फर्स्ट के नाम से ये माधो, ठीक है, ये फागी में है, ठीक है। अब इसमें जैसे अपन क्लू के रूप में क्या क्या बता रहा हूँ आपको, पहले तो मध, ये माधो सिंह फर्स्ट है, ठीक है। फिर बेगम, इसने देखेंगे अपन कि जो पिंडारी टॉक के पिंडारी शासक थे कौन, आमिर का पिंडारी, की रानियों को यहाँ, बेगमों को यहाँ कैद कर लिया था, लेकिन कैद करके किसी भी तरह की बदतमीजी उनके साथ नहीं की, उनको बिल्कुल बहन की तरह उनकी आवभगत करी थी, ठीक है। यहाँ के ठाकुर ने, ठाकुर भारत सिंह ने, आएगा भी अपन पढ़ेंगे अपन, भारत सिंह नरुका, देखो ये तो भारत सिंह नरुका ने भारत का नाम ऊंचा रखा, कैदी बनाया बेगमों को टॉक के संस्थापक अमीर का पिंडारी के, लेकिन उनको बिल्कुल बहन की तरह उनकी इज्जत करी, आवभगत करी, ठीक है। तो मध बेगम है बहन, ये अपन को ध्यान रखना, मध से माधो, अपने माधो, अपने माधो सिंह फर्स्ट,
बेगम ये टोंक के जो संस्थापक है कौन, अमीर का पिंडारी। पिंडारी कौन थे, शिवाजी की सेना के अंदर जो लूटपाट करते थे सैनिक वो पिंडारी थे। फिर शिवाजी थे जब तक तो कंट्रोल में रहते थे, और फिर शिवाजी के जाने के बाद वो मस्त हो गए सारे और फिर अटैक करने लगे, ठीक है ना। यू फिर टोंक का स्थापना करी अमीर का पिंडारी ने। अपन स्थिति देखते हैं, माधोराजपुरा दुर्ग की स्थिति क्या है, फागी तहसील जयपुर में, ठीक है, तो जयपुर के दक्षिण में हो गया। किस तरह का एग्जाम्पल है, स्थल दुर्ग और पारिक दुर्ग। पारिक के लिए इतना फेमस नहीं है जितना चोमू है। निर्माता कौन है, सवाई माधो सिंह फर्स्ट, ठीक है, ये वही है सवाई जय सिंह के पुत्र है, और जिनके लिए मैंने बताया स्लोगन ईश्वर मांगे आदो माधो मांगे आदो ईश्वर देव न पाओ, तो फिर माधो सिंह फर्स्ट यहाँ आए फिर परेशान होकर, ठीक है। फिर मराठों पर विजय के उपरांत यह दुर्ग बनाया गया। फिर देखो क्या, इस किले के साथ 1816 में अमीर का पिंडारी, ये टोंक का संस्थापक है अमीर का पिंडारी, है ना, वो कौन सी रियासत जिसका स्थापना पिंडारियों ने करी, टोंक। कौन, अमीर का पिंडारी। पिंडारी कौन थे, शिवाजी की शिवाजी की सेना में लूट पार करने वाले मराठा सैनिक। पिंडारी की बेगमों को बंदी बनाने वाले भारत सिंह नरुका की वीरता के रोमांचक दास्ता जुड़ी हुई है। नरुका ने अमीर का पिंडारी की बेगमों को दुर्ग के भीतर अपनी बहन की तरह, तो मैंने बताया था मद बेगम बहन, बड़े प्यार से रखा। इस प्रकार अमीर का पिंडारी जिसने राज्य की कई रियासतों की नींद हराम कर रखी थी, रियासतों की नहीं अंग्रेजों की भी, को भी नरुकों की ताकत के सामने माधुराजगढ़ में झुकना पड़ा ऐसे, ठीक है। तो ये थे भारत सिंह नरुका, है ना, नरुका शासकों ने तो यहाँ निर्माण कराया, मतलब यहाँ माधुराजपुरा रूल किया, और दुर्ग के निर्माता कौन, अपने माधो सिंह फर्स्ट, समझ गए ऐसे। तो ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट इसके अंदर चीजें हैं, एक दो बार रिविजन करो, अच्छे से फीड हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी दिमाग में, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गए, ये इसके अंदर था, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने दो फाइलों के अंदर जयपुर के दुर्ग देखे, पहले तो अपन ने मेन के अंदर तो आमेर का दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग देखा, इस फाइल में अपन ने नारगढ़ देखा, उसके अलावा जयपुर के तीन गौण दुर्ग देखे अपन ने, कौन से गौण का मतलब माइनर, कौन से, उत्तर में चौमू का दुर्ग, पश्चिम के अंदर अपने करणसर, और दक्षिण में माधोराजपुरा फागी, ठीक है। तो माधो सिंह से रिलेशन किस किस दुर्ग का है, एक तो आज अपने माधो सिंह के दुर्ग जो पढ़े इस फाइल के अंदर, एक तो नारगढ़ दुर्ग से वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां नौ रानियों के लिए नौ एक जैसे महल बनाए माधो सिंह फर्स्ट ने, ठीक है। फिर माधो सिंह के आज अपने दुर्ग देखा माधोराजगढ़ फागी के अंदर, लेकिन जो वीरता की दास्ता जुड़ी हुई है माधोराजगढ़ से वो भारत सिंह नरुका की जुड़ी हुई है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये इसके अंदर था। फिर अब नेक्स्ट अपन जे के अंदर देखेंगे जोधपुर, ठीक है, मेहरानगढ़, ओके।